हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे का फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है योजना है। देखिए, जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताया भी था, लेकिन फिर भी आप में से बहुत लोग ये कमेंट आ रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के लास्ट के 2-3 अध्याय बचे हुए हैं। जब इसका लास्ट लेक्चर जब आर्थिक सर्वेक्षण का मैंने बनाया था तब मैंने उसमें आपको बताया भी था कि लास्ट के जो 2-3 अध्याय है वो योजनाओं से संबंधित है, जैसे स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, शिक्षा संबंधित योजनाएं, आपका सामाजिक सेवाएं, ये सभी योजनाओं पर बेस है। जितने भी टॉपिक हमने आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़े वो सभी आंकड़ों पर आधारित थे। वो आंकड़े हर साल आपके बदलेंगे, लेकिन ये जो आपका आगे है स्वास्थ्य सेवा शिक्षा, ये सभी के सभी आपकी योजनाओं पर आधारित है। ये योजनाएं बहुत कम परिवर्तित होते हैं, उसके जो उद्देश्य और जो उसका क्राइटेरिया रहता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। थोड़े बहुत उसमें जो दिए जाने वाले अनुदान वो कुछ आपके 2-3 साल के अंतराल में थोड़े बहुत चेंज होते हैं। इसलिए मैं इन पोर्शन को आपका अलग से योजनाओं वाले टॉपिक में मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो आज जो अब हमारा वीडियो आएगा वो योजनाओं पर आधारित रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कृषि संबंधित योजनाएं, सामाजिक सेवाएं, आपका शिक्षा संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, इस पर हम थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है आपका कृषि संबंधित योजनाएं। आज के इस टॉपिक में हम अलग अलग योजनाओं को देखेंगे, जिसमें कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कोई आपकी राज्य सरकार की योजनाएं हैं। केवल इंपॉर्टेंट योजनाओं को ही मैं बता रहा हूं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं, और कुछ एक दो योजनाएं ऐसे है जिनसे प्रश्न अभी पूछ सकते हैं इस आगामी एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका सूक्ष्म सिंचाई योजना। ये सूक्ष्म सिंचाई योजना है, सूक्ष्म सिंचाई योजना में जो अनुदान दिया जाता है आपके स्प्रिंकलर पर आपका अनुदान दिया जाता है। इस सूक्ष्म सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है आपका कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्र को सिंचित करना। सूक्ष्म सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्र को सिंचित करना। देखिए, स्प्रिंकलर होता क्या है, जैसे आप कोई बहुत बड़े बंगला देखे होंगे, घर देखे होंगे, घर के सामने एक आंगन रहता है जो घास का एक छोटा सा मैदान टाइप में बना के रखते हैं। आप उन जगहों पे देखे होंगे कि एक स्टैंड में स्प्रिंकलर लगे होते हैं जो फुल स्पीड से रोटेट होते हुए पानी का बौछार छोड़ता है। वो इतने बारीक पानी का बौछार छोड़ता है कि वो पानी जैसे ही जमीन पे गिरता है वो ऑटोमेटिक जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है। तो यही इसी कॉन्सेप्ट पे है आपका सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि पानी के हर एक बूंद का उपयोग आपके सिंचाई में हो, ठीक है। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार जो है वो आपके स्प्रिंकलर पर अनुदान देती है। देखिए, और इसके इसमें जैसे और भी है आपका ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई। ड्रिप सिंचाई, जैसे आप टमाटर की फसल देखे होंगे तो टमाटर की फसल एक कतार में लगे होते हैं, उसके साइड में नालियां बनी होती है, उस नाली में पाइप बिछर होते हैं, उस पाइप में हर थोड़े थोड़े दूरी पर आपके छेद बने होते हैं जिसमें बहुत धीरे धीरे आपका पानी रिसता रहता है जमीन में। यदि आप देखेंगे कि आप एक बाल्टी पानी यदि आप जमीन में डालते हैं तो वो पानी बह जाता है, लेकिन उसी पानी को यदि आप बूंद बूंद करके जमीन में डालेंगे तो पानी सोख लेता है। तो इसी उद्देश्य के साथ आपका प्रारंभ किया गया है सूक्ष्म सिंचाई योजना, जो कि स्प्रिंकलर पर अनुदान देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचित करना। देखिए, स्प्रिंकलर पर जो अनुदान मिलता है उस अनुदान को देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो लघु सीमांत कृषक है इसके अंतर्गत आपका सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70% का अनुदान दिया जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न मैंने जो हमारा टेस्ट सीरीज हुआ था आपका आर्थिक सर्वेक्षण वाला, उससे मैंने ये प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसी को मैंने नवीनतम आंकड़ों के साथ पूछा है। पहले ये आपका 60% था, लेकिन यदि आप इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे कृषि एवं संबद्ध सेवाओं वाले टॉपिक में, तो देखेंगे तो आपके 70% दिखेगा। तो स्प्रिंकलर पर आपका केंद्र सरकार के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% का अनुदान दिया जाता है, जबकि अन्य कृषकों को 50% का अनुदान दिया जाता है। देखिए, इसमें दो चीज है, एक तो स्प्रिंकलर की खरीदी पर सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? 70% का, अन्य कृषकों को 50% का। यह एक प्रश्न बनता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों को राज्य सरकार के द्वारा कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, तो यहां प्रश्न चेंज हो जाता है। देखिए, इसमें क्या आ रहा है, राज्य सरकार। यदि आप आगे देखेंगे तो उसी आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो है आपके सीमांत कृषकों को 33% देती है आपका अनुदान, जबकि जो आपका राज्य सरकार है वो 37% देती है। यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है आपका 70%। ये दोनों का हिस्सेदारी है, ठीक। ये जो ओवरऑल 70% है
उस 70% में आपका 33% हिस्सा आपका केंद्र सरकार देता है, जबकि 37% हिस्सा आपका राज्य सरकार देता है। अन्य कृषकों में, अन्य कृषक यानी जो बड़े कृषक है, उनमें ओवरऑल यह 50% है अनुदान, जिसमें केंद्र सरकार 27% का अनुदान देती है और राज्य सरकार 23% का अनुदान देती है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है आपका 50%। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ध्यान से देख के लगाइएगा। यदि आपसे डायरेक्ट पूछा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर हेतु कितने प्रतिशत का अनुदान, लघु सीमांत कृषकों को कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है, तो बिना सोचे समझे आप 70% लगाइएगा। लेकिन वहां कहीं पर भी यदि आपने देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है या राज्य सरकार के द्वारा कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है, तब वहां पर आप इसे लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट, किसान समृद्धि योजना, इसमें भी अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान दिया जाता है आपके नलकूप मीन्स ट्यूबवेल के लिए इसमें आपका अनुदान दिया जाता है। देखिए ये जो आपका किसान समृद्धि योजना है, इसमें जो प्राथमिकता प्रदान की जाती है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, वो है आपके वृष्टि छाया क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो आपके किसी पर्वत के नीचे बसे हुए हैं, वहाँ पर क्या है, वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैकाल श्रेणी के नीचे बसे हुए शहर, जैसे आपका है मुंगेली है, कवर्धा है, ये वृष्टि छाया क्षेत्रों में इनकी गिनती की जाती है। ठीक, यहां पे क्या है, मानसून के समय भी यहां पे वर्षा का जो जल है पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता। तो इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत, इसमें मुख्यतः आपके वृष्टि छाया क्षेत्रों के अंतर्गत जो आपके जिले आते हैं उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाती है। इस किसान समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए, भूजल का नलकूपों के द्वारा समुचित उपयोग कर उत्पादकता में वृद्धि करना। भूजल जो आपका भूमिगत जल है, भूमिगत जल का आपका नलकूप के द्वारा उस समुचित उपयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करना। आपका नलकूप यानी वही आपका बोरवेल मतलब जो आपका बोर खुदवाया जाता है ना, उसके माध्यम से भूमिगत जल को बाहर निकालना और उसका उपयोग सिंचाई के लिए करना। ठीक, इसमें देखिए, इसमें आपका अनुदान जो प्रदान किया जाता है, सबसे पहली चीज, ये जो आपका किसान समृद्धि योजना है ये आपका राज्य पोषित योजना है, यानी राज्य सरकार द्वारा इसे चलाया जा रहा है। इसमें देखिए, नलकूप खनन तथा पंप प्रतिस्थापित करने के लिए, नलकूप खनन यानी आप यदि बोर खोद दिए लेकिन भूमिगत पानी को बाहर लाने के लिए आपको पंप की आवश्यकता है, तो नलकूप खनन तथा पंप प्रतिस्थापित करने के लिए जो अनुदान दिया जाता है, ये आपका कैटेगरी वाइज है, SC ST OBC और सामान्य यानी जनरल वर्ग। देखिए, नलकूप खनन तथा पंप प्रतिस्थापित करने के लिए SC ST कैटेगरी मीन्स अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को 43,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार देती है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वर्ग के किसानों को राज्य सरकार 35,000 रुपये का अनुदान देती है, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को इस किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 25,000 रुपये का अनुदान देती है। ये तीनों आंकड़ों को याद रखिएगा, पूछ सकता है। किसान समृद्धि योजना जो कि नलकूपों पर आपका राज्य सरकार अनुदान प्रदान करती है, इसका मुख्य उद्देश्य भूमिगत जल का नलकूपों के माध्यम से उसका समुचित उपयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करना। इस योजना के अंतर्गत नलकूप खनन तथा पंप प्रतिस्थापित करने के लिए आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 43,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले किसानों को 35,000 रुपये तथा सामान्य वर्ग के किसानों को 25,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार देती है। ठीक, नेक्स्ट साकम्बरी योजना। ये जो आपका साकम्बरी योजना है, ये साकम्बरी योजना और आपका किसान समृद्धि योजना दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ये जहाँ आपका किसान समृद्धि योजना जिसमें प्राथमिकता दी जाती है आपके वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, वहीं आपका साकम्बरी योजना यह राज्य के समस्त जिलों पर इसका विस्तार है। देखिए, साकम्बरी योजना इसके अंतर्गत भी आपका नलकूप में अनुदान प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य सिंचाई संसाधनों का विकास करना। साकम्बरी योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई संसाधनों का विकास करना। देखिए, जहां किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत आपके कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग राशि प्रदान की जाती है, वहीं साकम्बरी योजना के अंतर्गत आपका लघु सीमांत कृषकों को केवल लघु सीमांत कृषकों को इसमें कुछ प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। उसमें क्या है, डायरेक्ट राशि प्रदान की जा रही थी, इसमें क्या है, आपका कुछ प्रतिशत आपका अनुदान किया जा रहा है। देखिए,
नलकूप निर्माण हेतु 50% का अनुदान, यानी नलकूप के निर्माण के लिए जितनी भी उसकी वास्तविक लागत लग रही है उस वास्तविक लागत का 50% आपको राज्य सरकार प्रदान करेगी। पंप क्रय में 75% का अनुदान, यानी जो भी आपका पंप का जो भी मूल्य है, जो उसका वास्तविक मूल्य है ना, जो उसका क्रय मूल्य है, उस क्रय मूल्य से जो भी उसकी कीमत है उसका 75% हिस्सा आपको राज्य सरकार प्रदान करेगी। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, जहां किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत अलग अलग वर्ग के लोगों को एक राशि प्रदान की जा रही है, वहीं आपका साकंबरी योजना के अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों को अनुदान के रूप में कुछ प्रतिशत राशि, यानी कूप निर्माण के लिए 50% और जबकि पंप क्रय के लिए 75% उसकी वास्तविक कीमत से 50% और 75% का अनुदान दिया जाएगा। याद रखिएगा, यह परसेंटेज याद रखिएगा, इससे यह साकंबरी योजना से ही प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, कृषक जीवन ज्योति योजना। जो कृषक जीवन ज्योति योजना है ये प्रारंभ हुआ था आपका 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को यह कृषक जीवन ज्योति योजना प्रारंभ हुआ था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कृषि पंपों को विद्युत में छूट प्रदान करना। जो आपके कृषि पंप लगे रहते हैं, जो सिंचाई के लिए, जो आपके नलकूप से जो पानी खींचने के लिए जो पंप लगे रहते हैं, उस पंप में जो उनके द्वारा जो विद्युत की खपत की जाती है उसमें कुछ छूट प्रदान करना इस कृषक जीवन ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जो पंप आते हैं, पंप ऑलरेडी बहुत महंगे आते हैं, तथा उनके द्वारा जब वो पंप से जब पानी निकाला जाता है तो उनके द्वारा जो विद्युत का खपत भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सरकार ने प्रारंभ किया है आपका कृषक जीवन ज्योति योजना। इस योजना के अंतर्गत आपका 3 हॉर्स पावर तक के पंप पर आपका 6000 यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत खपत में छूट दी जाएगी। वहीं 3 से 5 हॉर्स पावर तक के पंप पर आपका 7500 यानी 7500 यूनिट प्रतिवर्ष, याद रखिएगा महीने का नहीं है, पूरे एक साल भर का है। जैसे इसमें 3 हॉर्स पावर तक के में आपका 6000 यूनिट प्रतिवर्ष, 3 हॉर्स पावर यानी 1 हॉर्स पावर का भी पंप हो सकता है, 2 हॉर्स पावर का भी हो सकता है, 3 हॉर्स पावर का भी हो सकता है, इन पंप के उसमें आपका 6000 यूनिट प्रतिवर्ष का छूट प्रदान किया जाएगा। वहीं आपका 3 से 5 हॉर्स पावर तक के पंप पर आपका 7500 यूनिट प्रतिवर्ष आपका विद्युत में छूट प्रदान किया जाएगा। यदि एक किसान के द्वारा आपका ये 6000 यूनिट प्रतिवर्ष का उपभोग कर लिया गया तो उसके बाद जो आपका नॉर्मल जो रेट चल रहा है उनके आधार पर उन्हें पे करना पड़ेगा अतिरिक्त विद्युत खपत की राशि। ठीक, जो भी टैरिफ प्लान चलाया जा रहा है, फिलहाल हम इस योजना को जो हमारा करंट अफेयर वाला टॉपिक है उसमें भी कवर किए थे, उसमें अभी फिलहाल सरकार ने इस कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत जो ये दो कैटेगरी है, इसमें ये जो कैटेगरी है ये टैरिफ प्लान के आधार पर है। सरकार इस टैरिफ प्लान को कन्वर्ट करके फ्लैट रेट की सुविधा प्रदान कर रही है किसानों को। देखिए, मैं उस चीज पर नहीं जाऊंगा, यदि आप देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा होगा वो वाले करंट अफेयर पर जाके आप देख सकते हैं, उस करंट अफेयर में मैंने डिटेल में बताया है टैरिफ रेट क्या होता है, फ्लैट रेट क्या होता है, किस तरीके से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों को सरकार आपका फ्लैट रेट टैरिफ रेट से फ्लैट रेट में कन्वर्ट कर रही है। उसके लिए एक डेट डिसाइड किया गया है, 31 अक्टूबर 2019 तक उनको अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि वो फ्लैट रेट के अंदर में फ्लैट रेट में शामिल होना चाहते हैं या टैरिफ रेट के अनुसार ही वो आपका बिजली बिल पटाना चाहते हैं। ठीक, तो उसे जाकर के आप देख सकते हैं वो करंट अफेयर वाले टॉपिक में। नेक्स्ट देखिए, जैविक खेती योजना। इस जैविक खेती योजना का जो मुख्य उद्देश्य है जैविक पद्धति से कृषि करना, यानी कृषि उपज, यानी कृषि की बुआई से लेकर के उसका उत्पादन, उपज उगने तक, उनकी कटाई तक, किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थों का, कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना। यानी जैविक खेती, यानी यदि आप उर्वरक उपयोग कर रहे हैं, खाद उपयोग कर रहे हैं, तो आप जैविक खाद उपयोग करेंगे, गोबर और सब्जी जो आपके बचे खुचे जो सब्जी के पत्ते हैं उससे निर्मित जो खाद है उन खाद का उपयोग करके आपका फसल का उपज उगाया जाएगा। किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, यानी किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना। तो ये जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है, जैविक पद्धति से कृषि करना। इस जैविक खेती योजना के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिले, 5 जिले पूर्ण जैविक जिले के रूप में विकसित ऑलरेडी किए जा चुके हैं। देखिए, वो 5 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आपके 4 जिले हैं वो बस्तर संभाग के हैं। कौन कौन से?
बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और एक है आपका गरियाबंद। नाम याद रखिएगा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और एक है आपका गरियाबंद। इन पांच जिलों को इस जैविक खेती योजना के अंतर्गत पूर्ण जैविक जिले के रूप में विकसित किया जा चुका है। इसके अलावा ये जो योजना लक्ष्य यानी बाकी बचे 22 जिले, पांच जिले हो चुके हैं, 22 पांच कितना होगा 27 जिले, छत्तीसगढ़ में टोटल 27 जिले हैं। तो देखिए पांच जिले को आपका पूर्ण जैविक जिले के रूप में विकसित किया जा चुका है, तो जो बाकी बचे हैं आपके 22 जिले हैं, 22 जिले के आपके एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी विकसित किया जाना प्रारंभ नहीं किया गया है, अभी एक लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल में अभी इस जैविक खेती योजना के अंतर्गत ये जो पांच जिले हैं, इन पांच जिलों को पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित किया जा चुका है। कौन कौन से है? बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और गरियाबंद। ठीक, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, सौर सुजला योजना यह भी आपकी राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। ये योजना प्रारंभ किया गया था आपका नवंबर 2016 यानी 1 नवंबर 2016 को यह सौर सुजला योजना प्रारंभ किया गया था। इस सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य है आपका सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराना। सौर ऊर्जा से चलने वाले जो आपके सिंचाई पंप है उन्हें एक रियायती दरों पर, अफोर्डेबल प्राइस पर किसानों को उपलब्ध कराना, ताकि जो, चलिए बात बताता हूँ। देखिए इसके अंतर्गत जो लक्ष्य है इसके अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक प्रदेश के 51,000 सौर सिंचाई पंप वितरित करना। प्रदेश में लगभग 51,000 सौर सिंचाई पंप वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है 31 मार्च 2019 तक। इसे याद रखिएगा, ये लक्ष्य भी इम्पॉर्टेंट है। 31 मार्च 2019 तक प्रदेश में लगभग 51,000 सौर सिंचाई पंप वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए ये जो आपके जो रियायती दर है जो आपके सौर पंपों के, जो आपके 3 हॉर्स पावर तक का पंप है, इसमें भी आपका क्या है कैटेगरी वाइज, ये जो आपके 3 हॉर्स पावर तक का जो पंप है, जो एक रियायती दर यानी अफोर्डेबल प्राइस पे अलग अलग कैटेगरी वालों को अलग अलग आपके रेट प्राइस पे उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जो भी आपके कृषक आएंगे उन्हें 7,000 रुपये में, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो भी किसान आएंगे उन्हें 12,000 रुपये में, तथा जनरल यानी सामान्य वर्ग के अंतर्गत जो भी किसान आएंगे उन्हें 18,000 रुपये में 3 हॉर्स पावर तक का आपका सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप देखेंगे तो ये जो आपका 3 हॉर्स पावर तक का और जो 5 हॉर्स पावर तक का जो सिंचाई पंप है, इनकी कीमत लाखों में है। इन लाखों की कीमत वाले आपके सौर सिंचाई पंप को हजार में 7,000, 12,000, 18,000 इन रियायती दरों पर आपका राज्य सरकार द्वारा अलग अलग वर्ग के किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप 5 हॉर्स पावर तक के जो सिंचाई पंप है, 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप में आपके SC ST मीन्स अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले किसानों को 10,000 रुपये में, OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले किसानों को 15,000 रुपये में, जनरल यानी सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले किसानों को 20,000 रुपये में आपका सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसमें ये जो आपकी जो रियायती दरें हैं ना, इन दरों के रेट याद रखिएगा। 3 हॉर्स पावर तक के जो पंप है ST ST के लिए 7,000, OBC के लिए 12,000, आपका जनरल के लिए 18,000। इसे ऐसे याद रखिएगा, 7, 12, 18 ऐसे करके याद रखेंगे याद हो जाएगा। वैसे ही 5 हॉर्स पावर तक के जो पंप है, 5 हॉर्स पावर तक के पंप में आपका 10, 15, 20 यानी 10,000, 15,000, 20,000 इतने दरों पर उन्हें आपका सिंचाई पंप उपलब्ध कराया जा रहा है, सौर सिंचाई पंप। ठीक है, नेक्स्ट सूरजधारा योजना। जो सूरजधारा योजना है, ये है आपका बीजों की अदला बदली से संबंधित योजना है। सूरजधारा योजना ये बीजों की अदला बदली से संबंधित योजना है। इसे जो हमारा इस प्रश्न को भी मैंने आर्थिक सर्वेक्षण वाले आपके टेस्ट पेपर में पूछा था, तो ये योजना भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है कि सूरजधारा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपकी सूरजमुखी के उत्पादन से संबंधित है, सूरजमुखी और ये सूरजधारा दोनों मिलता जुलता है, तो इसमें क्या है गलती हो जाती है। ये ना ही तिलहन की फसलों से संबंधित है, ना ही किसे संबंधित है, ये आपके बीजों की अदला बदली से संबंधित एक योजना है। ठीक, देखिए
इसका उद्देश्य ये जो आपका सूरजधारा योजना है, ये कृषकों को अलाभकारी बीजों के बदले लाभकारी वाले फसलों के उन्नत बीज प्रदान करना, यानी कृषकों को जो अलाभकारी बीज है उसके बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज प्रदान करना। जैसे आप देखेंगे कि किसान क्या है, हर साल जैसे आज इस वर्ष उन्होंने बुआई किया और वो फसल खराब हो गई, ठीक, तो उसमें से कुछ फसल अच्छी हुई, कुछ फसल खराब हो गई, तो जो अच्छी फसल हुई उसका कुछ बीज बचा के रख लेते हैं, उस बीज का अगले साल फिर उपयोग करते हैं। जो फसल ऑलरेडी खराब हो चुका है उस फसल के कुछ अच्छे बीजों का उपयोग करके अगले साल फिर उस फसल को उगाने से क्या होता है कि काफी संभावना होती है कि वो फसल भी बर्बाद हो जाए, उस फसल में भी कीड़े लगने की संभावना काफी रहती है। तो सरकार यह योजना निकाल रही है कि जो आपके जो सूरजधारा योजना है, इस सूरजधारा योजना के अंतर्गत सरकार बीजों की अदला बदली स्कीम रखी है, यानी जो आप अपने पास से जो आपके अलाभकारी जो बीज है उन्हें लाए और हमारे पास से प्रमाणित मीन्स सर्टिफाइड बीज जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कृषि अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जो सर्टिफाइड बीज रहते हैं, ठीक, उन प्रमाणिक बीजों को इन अलाभकारी बीजों के बदले उन्हें प्रदान किया जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा जो सूरजधारा योजना है, सूरजधारा योजना आपके बीजों की अदला बदली से संबंधित है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है। इसमें क्राइटेरिया क्या है, ये जो आपका जो बीज आपको प्रदान किया जाएगा वो आपको एक हेक्टेयर तक की भूमि में जितना भी आपका एक फसल का उपज बोया जा सकता है केवल उतना ही बीज आपको प्रदान किया जाएगा। यानी हो सकता है आपके पास 2 हेक्टेयर की जमीन हो, 3 हेक्टेयर की जमीन हो, लेकिन आपको उतना बीज नहीं प्रदान किया जाएगा, आपको 1 हेक्टेयर की भूमि में जितना भी आपका हो सकता है उतने के ही लायक आपको इस पे बीज प्रदान किया जाएगा। इसमें एक प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। देखिए प्राथमिकता क्या, इसमें जो है आपको दलहन और तिलहन फसलों के बीज को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कृषकों को अलाभकारी बीजों के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज प्रदान करना। लाभकारी फसलों के उन्नत बीज के अंतर्गत ये दलहन और तिलहन को रखा गया है, ठीक। तो जो आपका सूरजधारा योजना के अंतर्गत जो बीजों की जो अदला बदली है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी आपके दलहन और तिलहन फसलों के बीजों को, ठीक। नेक्स्ट अक्तिबीज संवर्धन योजना और ये जो सूरजधारा योजना है ये दोनों का भी कॉन्सेप्ट सेम है। देखिए अक्तिबीज संवर्धन योजना ये आपका कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत यह एक योजना है। कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत और भी 2-3 योजनाएं शामिल है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट योजना है आपका अक्तिबीज संवर्धन योजना। इस अक्तिबीज संवर्धन योजना का भी उद्देश्य आपका उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। समझिएगा उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए उचित मूल्य पर जहाँ पर सूरजधारा योजना के अंतर्गत बीजों की अदला बदली की जा रही है, बीजों की अदला बदली इन द सेंस आप पुराने बीज लाइए और उसी के बदले में उतनी ही मात्रा में आप हमारे पास से नए बीज लेकर के जाइए, नए प्रमाणित बीज सर्टिफाइड बीज लेकर जाइए। लेकिन आपका अक्तिबीज संवर्धन योजना के अंतर्गत क्या है, अक्तिबीज संवर्धन योजना के अंतर्गत गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड बीज को आपको एक उचित मूल्य पर कुछ जो प्राइस है आपके उस बीज पर उस पर कुछ सब्सिडी प्रदान की जाएगी, एक किफायती दर पर अफोर्डेबल प्राइस पर आप इस बीज को ले जा सकते हैं। देखिए जहां पर सूरजधारा योजना के अंतर्गत एक क्राइटेरिया है कि आप मैक्सिमम 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर जितना भी उत्पादन कर सकते हैं केवल उतना ही आप कृषि बीज ले जा सकते हैं, लेकिन वहीं आपके अक्तिबीज संवर्धन योजना के अंतर्गत आप कितना भी बीज ले जा सकते हैं एक किफायती दर पर उचित मूल्य पर सब्सिडी वाले प्राइस पर, ठीक। दोनों का कॉन्सेप्ट सही सेम है, बस याद रखिएगा कि इसमें क्राइटेरिया 1 हेक्टेयर तक है, प्राथमिकता प्रदान की जा रही है दलहन और तिलहन के फसलों के बीज पर, वहीं आपके अक्तिबीज संवर्धन योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ठीक। इसको ऐसे याद रखिएगा जो उचित मूल्य है इसमें लिख लीजिएगा सब्सिडी, ठीक। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो साल इसके प्रश्न एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन यह केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य बागवानी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, ठीक। तो ये जो देखिए ये जो इससे प्रश्न क्या पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, पहला प्रश्न राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया,
दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल किए गए हैं? दोनों प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो हमारा टेस्ट सीरीज हुआ था जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वाला, उसमें ही मैंने ये दोनों प्रश्न डाले थे। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन है, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा, ये और आगे प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। देखिए, यदि आपसे पंचवर्षीय योजना पूछा तो कब प्रारंभ किया गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का ईयर क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का ईयर था आपका 2002 से लेकर के 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का ईयर क्या था? 2002 से लेकर 2007 तक। लेकिन यदि आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा या एग्जैक्ट वर्ष पूछ रहा है तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन है ये प्रारंभ किया गया था वित्तीय वर्ष 2005-06 में। वित्तीय वर्ष 2005-06 में आपका राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007, 2002 से लेकर 2007 के बीच में 2005 आ रहा है, ठीक। यदि आपसे वित्तीय पंचवर्षीय योजना पूछे तो उसमें लगाइएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। यदि आपसे वित्तीय वर्ष पूछे किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया या किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, तो 2005-06 में इस राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था, ठीक। उद्देश्य, बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। देखिए, छत्तीसगढ़ के 19 जिलों को आपके राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ के 19 जिलों को राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुका है। लेकिन अब और क्या प्रश्न बन सकता है? देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना पूछ लिया है तो अब क्या पूछ सकता है आपसे? इसका वर्ष पूछ सकता है, है ना। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा 2005-06 को। इसके अलावा आपको पूछ देगा कि राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। आप 19 जिले को तो याद नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम याद रखिए कौन कौन से जिले सम्मिलित नहीं है। देखिए, आपकी ये 19 है, बाकी बचे 8 जिले जो कि इसमें सम्मिलित नहीं है, कौन कौन से है? जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद। जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, बाकी के 5 जिले हैं आपके बस्तर संभाग के, कौन कौन से? कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा। कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा। छत्तीसगढ़ के 19 जिले आपके राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत शामिल है, जबकि 8 जिले अभी भी इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। 8 जिले जो कि इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, कौन कौन से है? जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, उसके अलावा बस्तर संभाग के 5 जिले कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, ठीक। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, आपको इन जो शामिल नहीं है उन्हें पहले याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट, ई नाम पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। जो ई नाम है, एक प्रश्न पूछा गया है इससे कि ई नाम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, आपके शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, उद्योग क्षेत्र से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, जो ई नाम योजना है ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, व्यापम पूछा था इस प्रश्न को। इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ई नाम, एन से नेशनल, ए से एग्रीकल्चर, एम से मार्केट। देखिए, आपसे अलग अलग ऑप्शन दे सकता है, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन भी दे सकता है, ठीक। ऑप्शन में क्या लगाना है आपको? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम का फुल फॉर्म है। यह योजना आपका केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है, जो प्रारंभ हुआ था आपका 14 अप्रैल 2016 को यह ई नाम योजना प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज की खरीदी बिक्री में बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना। जो कृषि उपज की खरीदी बिक्री में आपके बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, तथा एक किसानों को एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय स्तर का आपका एक मार्केट प्रोवाइड कराना, तथा व्यापारियों को फसलों की खरीदी के लिए एक मंच उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, ये वर्क कैसे करता है? जो इस योजना के अंतर्गत कुछ कृषि मंडियों को सेलेक्ट किया जा रहा है, जो कृषि मंडी सेलेक्ट होंगे वहां पर जाकर के किसान अपने जो धान बेच रहे, जो भी कृषि उपज बेच रहे हैं, उसका एक मूल्य निर्धारित कर देंगे। वो मूल्य आपका ई नाम पोर्टल पे शो होगा, वो मूल्य आपका ई नाम पोर्टल पे शो होगा।
ये ई नाम पोर्टल अखिल भारतीय स्तर पर है, यानी दूसरे राज्य के भी जो आपके व्यापारी है इस ई नाम पोर्टल पे जा करके कृषि उपज का जो भी रेट है उसे देख करके, आपके जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के आसपास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपके उड़ीसा, ये आजू बाजू के राज्यों के व्यापारी भी यदि उनको एक अफोर्डेबल प्राइस लग रहा है तो यहाँ से आकर के एक मिनिमम प्राइस रेट पर आपका कृषि उपज खरीद सकते हैं, जिससे किसानों को उनकी कृषि उपज का एक अच्छा खासा मूल्य प्राप्त होगा और व्यापारियों को भी एक सही प्राइस पर उन्हें कृषि उपज खरीदने के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये है आपका ई नाम योजना। ई नाम योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल 14 कृषि उपज मंडियों को चिन्हित किया गया है। इस ई नाम योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल 14 कृषि उपज मंडियों को इसमें सेलेक्ट किया गया है, जिसमें 3 चरणों में इन्हें शामिल किया जाएगा। प्रथम चरण में ऑलरेडी इसमें 5 कृषि उपज मंडियों को शामिल कर लिया गया है। देखिए चिन्हित कितना किया गया, 14, यानी 14 कृषि उपज मंडियों को शामिल किए जाने की इसमें योजना है, जिसके प्रथम चरण में 5 कृषि उपज मंडियों को शामिल किया जा चुका है। देखिए 5 कौन कौन से है, राजनांदगांव कवर्धा कुरुद नवापारा भाटापारा, इन 5 कृषि उपज मंडियों को प्रथम चरण में शामिल किया जा चुका है। बाकी फिर अभी द्वितीय चरण में इसके नेक्स्ट 5 कृषि मंडी, तृतीय चरण में 4 कृषि मंडी, ओवरऑल 5, 5, 4, 14, टोटल 14 कृषि मंडियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा ई नाम योजना के अंतर्गत वर्तमान में 5 कृषि मंडी शामिल हो चुके हैं, जबकि 14 को शामिल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको किसान समृद्धि योजना, साकंबरी योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना और ये जो सौर सुजला योजना है, इसके आंकड़े को एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसमें ये आंकड़ों पर आधारित है और इससे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उसमें इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक जो कृषि संबंधित योजनाएं हैं हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।